पीर साहब ने एक मरीज आया उन्होंने कोल उन्हें कोई आसे भाई कुछ आया ही उन्होंने ना दे ली दा चिल्ला उन्होंने हक सच का कोई दुनिया का लालच नहीं उन्होंने उन्होंने हाजिर कर लिया जिन उसे मरीज हाजिर हो गया पूछया भी कौन है मुसलमान है हिंदू है उस जी हिंदू हाँ कितनी उम्र ही हो सके जी 1400 साल 1400 साल उस वक्त जिस वक्त आखे ना 1400 साल मेरी जिंदगी है एड्रेस भी थोड़ी देर तक दसता तुसी इस वाक्य नूं यूट्यूब ते भी वेख सकदे हो हुणे तुहाडे हाथ दे विच आ जाएगा सारा वाक्य 3 पार्ट 10-10 मिनट दिसदे ऐसे राह भी तलाश करो जिस नाल हक दा राह लभदा होवे उस वक्त महफिल ते भी नूर आ उस जिंदे चेहरे ते भी जाहिर आई ते बंदे विच लेकिन नूरानियत एक जाहिर नजर हो रही आई पूरी महफिल ते नूर छा गया जदों उस आखिया मैं आमना दे चंद दी भी ज़ियारत कीती नादी बड़ी उम्र होंदी है 1000 साल नूह अलैहि सलातो वसलाम उस आखिया जी मैं ज़ियारत कीती हुई है और मैं उस बड़े मौजज़ात दसे उसने अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम ने बड़े मौजज़ात दसे कलमा पढ़ के पूरी जिंदगी इस बादशाह ताजदारे मदीना दा सदका खा के भी साथ अगर इतात गुजारी थोड़ी जी भी मोहब्बत अगर दिल च पैदा नहीं हो सकी तो आ तेने एक हिंदू की गल पे दसदा तो भी जिन कलमा पढ़ के जो बंदा पे आखे भाई ये मेरे जे है ते ना कोई इल्मे गैब है ते ना कोई गल है याद रखे जवानों एक हिंदू जिन की पे आदे आदे मैं जो भी मदीने तू मुसा के कोई जेडा भी कोई सल्तनत का बादशाह आया ना उसका क्या सी उड़ के लगे हाँ पर जो सी मदीने आंदे आसे हसन दे नाने दे तराम दी वजह तो टोर के लग दे उन्होंने पूछा भी कोई मौजजा भी तू वेखे हजूर दा अखा नाल हो सके एक मैंने याद है इस जिन नाल अगर कोई मिलना चाहो तो इस वक्त भी ये मौजूद है पत्रियाटा शरीफ है मरी दे नाल उत्ते पीर अजमत शाह दे दरबार उत्ते मौजूद है इस वक्त हजूर दा सदका मुसलमान हो गया फिर अगली गल भी जेने च रखे जवानों ना पूछे आप की हो सके जी हजूर दे गुलाम आई साहब भी आई तो किसी यहूदी को लाई तो हजूर उस नु छुड़ान गए ते यहूदी आके मैं ता छोड़ सा जे अंडे सोने दे कर दियो हसन दे नाने फरमाए वेख सोने दे ही तहन किसा पूछे कोई अंडे दी तादाद भी याद है जी हो सके याद है 5 हो सके याद रखे आए जवानों जिन्हें आखिया भी जिस वक्त अंडे सोने दे बन गए बात भी उस बेईमान का ईमान न कामिल होया हो सके जी गुलाम ता देना है इस सलेमान फारसी की बात कर रहे हो सके जी ता गुलाम देना है भैया गकड़न 100 गुठलियन ये 100 दरख्त लग जाए जो नांदे ते खुरमे खजूरां लग गई गुलाम तुहाडा हजूर फरमाया खुरमे चाहिए ना तो 100 खजूरां दे दरख चाहिए भावे असि हुणे ला देवीए इतनी गल उस जिन ने बड़े इतमान खैर अपनी ताकत इतहाई लेकिन जिस टाइम वो अगली गल ते आया ना तुसी खुद वेख लेना इस नूं पीर अजमत अली शाह लिख सो ना पदरियाटा शरीफ के उत्ते आपे ये पहली हेडिंग च ये आ जासी उस जिन दी और उत्ते लिखियो सी के रसूल अल्लाह दी ज़ियारत दे वाकियात और अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सुन्नी पीरन याद रखे जवान नादे अली दे आमले नादे अली दा उन्ना चिल्ला कीता है नादे अली दा और बड़े बड़े उत्ते कदी जाके वेखो मैं सदकियो इतनी गल जिन जेड़ा ने उस अपने आप विच रह के कीती है जद अगली गल ते पहुंचे ते नूर ही नूर हो गई आत्मा भी तेन हुणे ला देवी है हजूर उस पासे वेखिया जिथे अली खलोता हा अली दे नाम ते उठ के खड़ा हो गया ओ जिन और बेवस उस आखना शुरू कर दिता अली 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 बेवस आखदा गया अली 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 ते अगे उस कमाल कर दिता पे आखे तुहाडे मुसलमाना दा अली बड़ी ताकत वाला है उस आखे अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम अल वेख्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और फरमाया या अली बेलचा कुदाली चा वो आखते भी एक जंग लूद एक बेलचा दे मैं नजे याद है ईमान ईमान अफरोज वाकयात उन दिन फिर इस नाल होर मजीद ताकत इंसान दे अंदर तकवीयत मिलती है इंसान दे कायद में आदे अली इब्ने अबी तालिब ने कोई फुट 1.5 फुट का खड्डा मारिया उस नाल और एक एक खजूरां 100 खजूरां उस ला दितियां गुठलियां जड़ियां दबा दितियां फरमाए सुबह आसा हजूर फरमाए सुबह आसा
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਉਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮਲਾਉਣ ਨੇ ਆਦਾ ਮੈਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਈ ਇਹ ਜਿੰਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਛੁਪ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕ ਨਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨੀ ਖਲੋਤਾ ਰਾਤੀ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਠਲੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਉਹ ਕੱਢ ਛੋੜੋ ਰਾਤੀ ਗਏ ਗੁਲਾਮ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਗੁਠਲੀਆਂ ਗੱਕੜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਹਰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਅੱਲਾ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਠਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ।